Hello everyone. In today's lecture, we will discuss about one more Turing machine for the multiplication operation. Let's say we have been given two numbers. एक number मेरे पास है. Let's say वो number two है. एक number मेरे पास है वो three है. तो मुझे two multiplied with three perform करना है. In fact मुझे six answer produce करना है. तो जिस तरह से हमने addition और subtraction किया था, उसी format में हम पहले numbers को represent कर लेते हैं. सो लेट्स से कि हमने ए नंबर को रिप्रेजेंट किया है वन वन से. टू वंस का मतलब है कि ये टू को रिप्रेजेंट कर रहा है. सेपरेटर जीरो ले लेते हैं एंड देन उसके बाद नंबर बी को लिख लेते हैं. दिस नंबर बी इज थ्री, सो थ्री वंस विल बी देयर. सो वी आर रिप्रेजेंटिंग देम इन द यूनिटी. आफ्टर दिस एक जीरो लगा लेते हैं और उसके बाद फिर इसमें काफ़ी सारे ब्लैंक्स लिख लेते हैं. सो ये मेरा टेप का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कई सारे ब्लैंक्स हैं. स्टार्टिंग में भी मेरे पास कई सारे ब्लैंक्स होंगे. तो मेरे पास इनफाइनाइट लेंथ की एक टेप है. प्रोसेस कैसे करेंगे कि जो पहला वाला वन है उसको हम ब्लैंक में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे जाते हैं, वन को क्रॉस करते हैं, ज़ीरो को क्रॉस करते हैं और जो मुझे पहला वाला वन मिला उसको मैं किसी नंबर लेट से एक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ और मैं आगे जाता हूँ, ज़ीरो को भी क्रॉस करता हूँ और जो पहला ब्लैंक है उसको वन कर देते हैं. फिर इसके बाद मैं पीछे आता हूँ, एक्स तक मैं पीछे आऊँगा और एक्स के बाद फिर मेरे पास एक वन है, मैं इसको एक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड देन मैं अगेन आगे जाता हूँ और ज़ीरो को क्रॉस करता हूँ, वन को क्रॉस करता हूँ. जैसे मुझे ब्लैंक मिलेगा मैं उसको वन में कन्वर्ट कर देता हूँ. फिर इसके बाद मैं और पीछे आता हूँ, ज़ीरो को क्रॉस करता हूँ और वन को क्रॉस करता हूँ, एक्स तक पहुँचता हूँ और एक्स तक पहुँचने के बाद फिर मेरे पास एक वन है, मैं इसको एक्स में कन्वर्ट करके आगे जाता हूँ, जीरो को क्रॉस करता हूँ, वंस को क्रॉस करता हूँ और जो नेक्स्ट अवेलेबल ब्लैंक है मैं उसको वन कर देता हूँ. इस प्रोसेस में हमने केवल एक काम किया है कि अगर नंबर वन वन है और दूसरा नंबर वन 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 है तो मैंने एक वन को पिक किया है और इसके कोरस्पॉन्डिंग थ्री वंस को ब्लैंक की जगह रिप्लेस कर दिया है. इसके बाद जब हम नेक्स्ट वन को पिक करेंगे, अगेन जो थ्री वंस है मल्टीप्लायर के, उसके थ्री वंस के कोरस्पॉन्डिंग हम ब्लैंक्स को रिप्लेस कर देंगे वन से. यही प्रोसेस हम यहाँ पे कर रहे हैं. अभी तक हमने जो प्रोसेस किया है उस प्रोसेस के हिसाब से मैंने जितने भी सेकंड पार्ट थे वंस के उसको मैंने एक्स में कन्वर्ट कर दिया है और थर्ड पार्ट जो ब्लैंक है उसको मैंने वंस में कन्वर्ट कर दिया है. जितने मेरे पास वंस थे सेकेंड पार्ट में उतने ही मैंने वंस ले आया मैंने थर्ड पार्ट में ब्लैंक्स को रिप्लेस करते करते. अब इसके बाद जैसे मैंने इस ब्लैंक को वन में कन्वर्ट किया है फिर पीछे आता हूँ, कम बैक, ज़ीरो को क्रॉस करते हैं और ज़ीरो को क्रॉस करने के ठीक बाद आप देखेंगे कि आपको एक्स मिल गया है. चूंकि आपको ये एक्स मिला है, अब आपको इस एक्स ज़ीरो के ठीक बाद एक्स मिलने का मतलब है कि ज़ीरो के पहले वाले जितने भी वंस थे वो सारे के सारे एक्स में कन्वर्ट हो चुके हैं. इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग वन हम ऑलरेडी ले चुके हैं ब्लैंक्स में. अब हमारे पास एक एक्शन हमें लेना है कि जो एक्स हमने कन्वर्ट किया था इसको हम वापस वंस में कन्वर्ट कर देते हैं. तो वापस में वंस में कन्वर्ट करने के बाद पीछे आते हैं, ज़ीरो को क्रॉस करते हैं, वन को क्रॉस करते हैं, ब्लैंक पे पहुंचते हैं और ब्लैंक के ठीक बाद मुझे एक और वन मिल रहा है, मैं इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर देता हूँ और इसको मल्टीप्लाई करते हैं सेकेंड वाले पार्ट से. सेकेंड वाले पार्ट में पहले मुझे मिला है वन, इसको मैं एक्स में कन्वर्ट करता हूँ और वही प्रोसेस रिपीट करता हूँ. आगे जाता हूँ, ज़ीरो को क्रॉस करता हूँ, ब्लैंक वंस को क्रॉस करता हूँ और जो पहला ब्लैंक मिलता है उसको वन कर देते हैं. फिर इसके बाद मैं पीछे आता हूँ, एक्स तक पीछे आते हैं, एक्स के ठीक बाद फिर से वन है, इस वन को मैं अगेन एक्स में कन्वर्ट करता हूँ और आगे जाता हूँ और ब्लैंक की तलाश में जैसे ब्लैंक मुझे मिलेगा मैं इसको वन कर दूंगा. फिर मैं पीछे आता हूँ और पीछे आते आते आपको फिर से वन मिले एक्स मिलेगा, एक्स के ठीक बाद वन होगा, वन को एक्स में कन्वर्ट कीजिए, फिर आगे जाइए और जैसे ब्लैंक आपको मिले उस ब्लैंक को वन में कन्वर्ट कर दीजिए. फिर आप जब मूव बैक करेंगे पीछे की तरफ तो पहले आप वंस को क्रॉस करेंगे, वंस को क्रॉस करने के बाद इसमें इसका डिमार्केशन कर देता हूँ, वन को क्रॉस करेंगे, सारे वंस को आप पीछे की तरफ क्रॉस करके लेफ्ट में मूव करते रहिए. फिर आपको ज़ीरो मिला, जीरो के ठीक बाद आपको एक्स मिल रहा है. इसका मतलब है कि जितने भी वंस थे उनको एक्स में कन्वर्ट किया जा चुका है. वापस रिपीट करते हैं इस काम को कि इस एक्स को वन में कन्वर्ट करते हैं. जितने भी एक्स वन एक्स में कन्वर्ट होगा तो उनको वापस हम वन में कन्वर्ट करें. फिर बैकवर्ड आते हैं, बैकवर्ड आने के बाद मुझे ज़ीरो मिलेगा
और जीरो के जस्ट लेफ्ट में ब्लैंक है, ये इंडिकेट करता है कि जो फर्स्ट पार्ट था नंबर का वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट नंबर का कंप्लीट हो गया, हमें आंसर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं। और मूव कैसे करेंगे, हम राइट की तरफ ही केवल मूव करेंगे, ब्लैंक से जीरो की तरफ, जीरो से फिर वन को क्रॉस करते करते जो सेकेंड वाला जीरो आएगा उसके ठीक बाद आपका मल्टीप्लाइड नंबर है, ये जो वन 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 है यही आपका आंसर है, इसको आप प्रोड्यूस कर देंगे। आपको ये पता है कि 2 मल्टीप्लाइड विद 3 6 होता है, और हमने 6 1s प्रोड्यूस किए हैं टेप के। ये प्रोसेस जो हमने किया है इसको आइए हम लोग एक फॉर्मल डेफिनेशन के फॉर्म में और ट्रांजिशन डायग्राम के रूप में शो कर देते हैं। पहले हम एक टेप ले लेते हैं, प्रोसेस आपको पता चल ही चुका है। इस टेप में सबसे पहले हम लेंगे वन और वन जो कि टू को रिप्रेजेंट करता है, देन एक सेपरेटर होगा, इसके बाद वन 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 जो कि सेकेंड पार्ट ऑफ नंबर को शो करता है, फिर जीरोज हैं और जीरोज के बाद कई सारे ब्लैंक्स हैं, इन्हीं ब्लैंक्स को हम मल्टीप्लाइड नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे भाई। और इस पहले वाले वन के पहले भी ब्लैंक्स हैं, बहुत सारे वन्स हैं, ये इनफाइनाइट टेप है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दी लेंथ ऑफ द टेप, सो दिस इज द टेप। इसके बाद हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, क्यू जीरो स्टेट में रहते हैं, और क्यू जीरो स्टेट में लेट से मुझे टेप मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले मुझे एक वन मिला, मैंने इस वन को ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया और राइट की तरफ मूव किया, तो वन को मैंने ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया और राइट की तरफ मूव किया। सो अभी करंट लोकेशन जो है मेरा वन है, इसको मुझे क्रॉस कर देना है और क्रॉस करके आगे की तरफ मूव करना है, मुझे जितने भी वंस मिलेंगे मैं इसको वंस में ही छोड़ के राइट की तरफ मूव करूंगा, जब राइट की तरफ मूव करेंगे तो मुझे जीरो मिलेगा, जीरो को मुझे छोड़ देना है, जीरो को जीरो ही रखना है और राइट में मुझे मूव करना है। मैं क्यू टू स्टेट में पहुंच गया हूँ, क्यू टू स्टेट में मुझे एक वन मिल रहा है, इस वन को मैं एक्स में कन्वर्ट करूंगा और कॉरस्पॉन्डिंग आगे वाले पार्ट में जो ब्लैंक है उसको भी वन में कन्वर्ट करूंगा। तो मैंने क्या किया कि क्यू टू स्टेट में मुझे एक वन मिला, मैंने इसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया और राइट की तरफ मूव किया, लेट से हम क्यू थ्री स्टेट में वन को एक्स में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पहुंचेंगे, रास्ते में कई सारे ब्लैंक वंस मिलेंगे, उन वंस को ऐसे ही छोड़ दीजिएगा और राइट की तरफ मूव कर जाइएगा, फिर इसके बाद आपको एक और जीरो मिलेगा, जीरो को जीरो ही छोड़ना है, राइट जाना है, जैसे आप जीरो को जीरो छोड़ेंगे आप राइट में जाएंगे और क्यू फोर स्टेट में पहुंचेंगे, आपको एक ब्लैंक दिखता है, तो जो ब्लैंक दिख रहा है इस ब्लैंक को आप वन में कन्वर्ट कर दीजिए। मुझे एक ब्लैंक दिखा, मैंने इसको वन में कन्वर्ट किया और मैं अब लेफ्ट की तरफ गया, क्योंकि मैं एक ब्लैंक को वन में कन्वर्ट कर चुका हूँ तो मैं लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा, लेफ्ट की तरफ मूव करने के लिए लेफ्ट से मैं क्यू फाइव स्टेट में हूँ, और क्यू फाइव स्टेट में मुझे Q5 स्टेट में हूँ मैं, और इस स्टेट में मैं इस ब्लैंक को वन में कन्वर्ट करके लेफ्ट में आया हूँ, तो अब मुझे जीरो मिलेगा और इस जीरो को मैं जीरो ही छोड़ के लेफ्ट की तरफ मूव करूँगा, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, लेट से मैं Q6 स्टेट में हूँ, और अब मुझे रास्ते में कई सारे वंस मिलेंगे, इन वंस को मैं वंस में ही छोड़ दूंगा और लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा। तो एक बार फिर से करंट स्टेट देख लेते हैं कि टेप का क्या है। सो करंट स्टेट में जो हमने केवल जीरो को क्रॉस किया है, तो जीरो को यहाँ जीरो यहाँ तक क्रॉस करके हम यहाँ पे आए हैं, रास्ते में वन मिला है इसको वन छोड़ के लेफ्ट में आए, इस वन को भी वन छोड़ के हम लेफ्ट में आए और मुझे एक्स मिल गया, जैसे एक्स मुझे मिला इसको मुझे एक्स ही छोड़ना है और नेक्स्ट वाले वन की तरफ मूव कर जाना है, और नेक्स्ट वाले वन की तरफ वही एक्शन लेना है जो आपने प्रीवियस वाले वन के साथ लिया था। इसका मतलब है कि आपको एक्स मिला और एक्स को आपने एक्स छोड़ा और यू टू स्टेट में चले गए, एक्स को एक्स आपने छोड़ दिया और अब आप चले गए हैं राइट में, एक्स को एक्स आपने छोड़ा और राइट में गए, जैसे आप राइट में जाएंगे आपको वन मिलेगा, वन को एक्स में आप कन्वर्ट कर देंगे और क्यू थ्री स्टेट में मूव कर जाएंगे, सो वन को आपने एक्स में कन्वर्ट कर दिया और राइट की तरफ मूव कर दिया, राइट में आपको वन मिले तो क्यू थ्री स्टेट में जितने भी वन मिलेंगे आप उसको वन ही छोड़ के राइट की तरफ मूव करते रहेंगे,
फिर आपको जीरो मिलेगा, जीरो सेपरेटर है, जीरो को छोड़ के राइट की तरफ आगे चलेंगे। तो जीरो मुझे मिला, मैं इसको जीरो ही छोड़ के आगे राइट की तरफ गया, और राइट की तरफ जब मैंने देखा तो मुझे एक वन मिला। ये जो वन मुझे मिला है उसको मैं वन ही छोड़ दूंगा और राइट की तरफ फर्दर मूव करेंगे जब तक मुझे एक ब्लैंक ना मिल जाए। अब मुझे एक ब्लैंक मिल गया है, ब्लैंक को मैं वन में कन्वर्ट करके लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा। सो इस ब्लैंक को वन में कन्वर्ट करेंगे और लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। जब हम लेफ्ट की तरफ मूव करें तो Q5 स्टेट में आ रहे हैं, मतलब एक वन पे आ रहे हैं। जितने भी वंस आपको मिल रहे हैं रास्ते में उसको आप छोड़ दीजिए वन ही, और लेफ्ट की तरफ मूव कीजिए। फिर आपको एक ब्लैंक जीरो मिलेगा, जीरो को जीरो छोड़ के आप लेफ्ट की तरफ आइए। रास्ते में आपको वन मिलेंगे, वन को वन ही छोड़ना है और लेफ्ट की तरफ चलना है। जैसे आपको एक्स मिलता है उसको एक्स छोड़ के आप राइट की तरफ मूव करेंगे और Q2 स्टेट में आ जाएंगे। तो एक बार फिर से टेप के डिमार्केशन सही कर लेते हैं। आपने अभी आप करंटली यहाँ इस एक्सेस पे हैं, एक्स को एक्स छोड़ के राइट पे गए तो आप वन पे पहुंच गए। इस वन को आपने एक्स में कन्वर्ट कर दिया, फिर इसके बाद वन को आपने एक्स में कन्वर्ट कर दिया और कॉरस्पॉन्डिंग इसके एक ब्लैंक को वन में कन्वर्ट करेंगे। आगे जाएंगे, जीरो को जीरो छोड़ के राइट जा रहे हैं, वन को वन छोड़ के राइट जा रहे हैं, वन को वन छोड़ के राइट जा रहे हैं, फिर ये ब्लैंक को हम वन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे आप वन को ब्लैंक में कन्वर्ट करेंगे अब आप लेफ्ट की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। रास्ते में जितने भी वंस आप मिलेंगे उनको छोड़ते हुए पीछे की तरफ या लेफ्ट की तरफ जाएंगे। ये हमने ऑलरेडी इसमें कर रखा है कि आपको ब्लैंक मिला, सॉरी वन मिला तो उसको वन छोड़ के लेफ्ट में जा रहे हैं आप Q5 स्टेट में। जैसे आपको जीरो मिला आप जीरो को जीरो छोड़ के लेफ्ट की तरफ आएंगे, और इसके बाद आपको एक एक्स मिला तो Q6 स्टेट में एक्स मिला, एक्स को एक्स छोड़ के आप राइट की तरफ गए। अभी तक एक्सपेक्टेड ये था कि जो एक्स है जो एक्स है उसके ठीक बाद मुझे वन मिल जाएगा, लेकिन एक्स के बाद अब मुझे वन नहीं मिल रहा है बल्कि एक्स के बाद जीरो मिल रहा है। क्योंकि एक्स के बाद जीरो मुझे मिल रहा है इसलिए मैं ये मानूंगा कि जो कन्वर्जन है एक्स वन के कोरस्पॉन्डिंग एक ब्लैंक को आप वन कर रहे थे वो हो चुका है। चूंकि ये हो चुका है इसलिए आप क्या करेंगे, जितने भी एक्स आपने अभी तक किए थे उन सभी एक्स को वन में वापस कन्वर्ट कर देंगे। तो करंट पोजीशन आपकी जीरो पे है। जस्ट लेट्स सी कि करंट पोजीशन कहाँ पे, करंट पोजीशन मेरी जीरो पे है। ये जो जीरो वाला है इसको जीरो ही छोड़ेंगे और हम लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे, और इसमें लेट्स से आप पहुंचते हैं Q7 स्टेट में। फिर Q7 स्टेट में जितने भी वंस थे आपके जो एक्स में कन्वर्ट हो गए थे, अब एक्स को वापस वन में आप कन्वर्ट करके लेफ्ट की तरफ मूव कीजिए। हम वापस कन्वर्जन कर रहे हैं, एक्स को हटा रहे हैं और वन बाई वन उनको वन में वापस कन्वर्ट कर रहे हैं। कन्वर्जन के बाद आपको फिर से जीरो मिलेगा, और जीरो जब आपको मिलेगा तो आप लेफ्ट की तरफ मूव कर जाइएगा, जीरो जीरो लेफ्ट, ताकि अब हम फर्स्ट नंबर के दूसरे पार्ट को पिक कर सकें। तो जीरो मुझे मिला, जीरो को जीरो छोड़ के मैं लेफ्ट की तरफ आया, मुझे वन मिला और मैं इस वन को वन ही छोड़ दिया और लेफ्ट की तरफ मूव कर गया। फिर मुझे एक ब्लैंक मिला, तो जब मुझे ब्लैंक मिल गया है इसका मतलब क्या है कि इसके राइट वाला वन हो सकता है। तो इस ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के आप यहाँ पहुँच जाइए, और यहाँ पहुँचने का ये मतलब है कि अब हम Q0 स्टेट में जाएंगे, क्योंकि तो मुझे ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ और मैं वन पे पहुंच रहा हूँ नेक्स्ट। अब हमारा काम ये होगा कि इस वन को हम कन्वर्ट कर देंगे ब्लैंक में और राइट की तरफ मूव करेंगे। सो Q0 स्टेट में आप देखिए कि वन को ब्लैंक में कन्वर्ट करके हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं। जो तो भी एक्स्ट्रा डिमार्केशन से मैं इसको हटा देता हूँ ताकि मैं ये जो वंस थे जिसको हमने कन्वर्ट कर दिया था ये वापस वन में कन्वर्ट हो गए हैं। ये जो ब्लैंक्स हैं इनको हमने वन में कन्वर्ट कर दिया है। ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के हम जब राइट में गए तो Q0 स्टेट में है, Q0 स्टेट में वन मिला उसको मैंने ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया। फिर हम राइट की तरफ चले, जीरो को जीरो छोड़ के हम राइट की तरफ चले, फिर मुझे वन मिला, इस पहले वन को मैंने एक्स में कन्वर्ट कर दिया, Q2 से Q3 स्टेट पहुंचाया। रास्ते में जितने भी वंस मिले उनको आप छोड़ते हुए आगे जाइए, जीरो पे पहुंच जाइए, जीरो को जीरो छोड़ के राइट में जाइए, वन को वन छोड़ के देखिए आप उसको वन को वन छोड़ के आप राइट में जा रहे हैं। फिर जैसे ही पहला ब्लैंक मिला इसको वन में कन्वर्ट
कर दीजिए। जैसे पहला ब्लैंक मिला आपने उसको वन में कन्वर्ट कर दिया, Q4 से Q5 स्टेट मूव किया, अब आप लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। वंस अगेन डिमार्केशन वैसे ही कर देते हैं। मैंने ये इस वाले वन को वन में, इस वाले ब्लैंक को वन में कन्वर्ट करके लेफ्ट में चले, रास्ते में जितने भी वंस मिलेंगे मैं उसको छोड़ते हुए लेफ्ट की तरफ आऊंगा। सो वन वन लेफ्ट, Q5 स्टेट में ही आपने, अब आपको जीरो मिला, जीरो को जीरो छोड़ के आपको लेफ्ट में आना है। रास्ते में आपको वंस मिलेंगे, इसको छोड़ते छोड़ते पीछे आना है। सो Q6 स्टेट में वन वन लेफ्ट, फिर इसके बाद एक्स पे जब आप पहुंचेंगे तो एक्स को एक्स ही छोड़ना है और राइट की तरफ मूव करना है। तो एक्स को एक्स छोड़ के जब हम राइट की तरफ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब Q2 स्टेट में पहुंच गए। मुझे एक वन दिखा Q2 स्टेट में, मैंने इसको एक्स में कन्वर्ट कर दिया। सिमिलरली आगे की तरफ हम जाते जाते पहले ब्लैंक को वन में कन्वर्ट कर देंगे। आई एम टेकिंग जस्ट शॉर्टकट्स हियर। इसके बाद हम फिर से पीछे मूव करते हैं और तब तक पहुंचते हैं जब तक एक्स ना मिल जाए आपको, मतलब Q2 स्टेट। एक्स के ठीक बाद वाला वन को एक्स में कन्वर्ट कर देंगे और राइट की तरफ मूव करेंगे। राइट में जीरो को क्रॉस करेंगे, वंस को क्रॉस करेंगे, जो भी पहला ब्लैंक मिलेगा उसको वन में कन्वर्ट करेंगे। एंड देन अगेन पीछे की तरफ आएंगे, पीछे की तरफ आएंगे, और पीछे की तरफ आते आते आपको कहाँ पहुँचना है, आपको पहुँचना है स्टेट एक्स में। जैसे आप इस जीरो को क्रॉस करके एक्स में आएंगे, अब आपको किस स्टेट में होंगे, एक्स को एक्स छोड़ के राइट में आना है, इसका मतलब Q2 स्टेट में है। तो Q2 स्टेट में अगर आप हैं और आपको एक्स के राइट में वन नहीं दिख रहा है बल्कि एक्स के राइट में जीरो दिख रहा है, तो आप Q2 से Q7 स्टेट में आएंगे। जीरो को जीरो छोड़ के लेफ्ट में आना है। जितने भी कन्वर्जन आपने एक्स के ऑलरेडी कर दिए थे उन सबको आपको वापस कन्वर्ट करना है वन में। सो Q7 स्टेट में ये सारे एक्स वन में कन्वर्ट हो गए वापस। फिर ये वाला जो जीरो है, पहला वाला जीरो, उसको क्रॉस करके पीछे की तरफ आना है। अभी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जीरो जीरो है, उसके लेफ्ट में आ गए, फिर मुझे ब्लैंक मिला, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के मैं राइट में चला गया। जैसे मैं ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के राइट की तरफ जा रहा हूँ, मुझे वन नहीं मिल रहा है बल्कि बी मिल रहा है, सॉरी जीरो मिल रहा है। इस जीरो के मिलने का ये मतलब है कि जो पहला वाला नंबर है वो कम्प्लीट हो गया है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन भी कम्प्लीट हो गया है। अब मल्टीप्लीकेशन को कम्प्लीट करने के लिए एक काम हम छोटा सा और करेंगे। आप जस्ट इसको देखिए कि आपने ये देखा कि जीरो के लेफ्ट में ब्लैंक है और ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के हम राइट में जा रहे हैं और मुझे जीरो मिल रहा है। तो जब हम नंबर या आंसर प्रोड्यूस करेंगे तो ये पार्ट मेरा आंसर होगा, इसके पहले सारे मेरे ब्लैंक्स होने चाहिए। तो यही टास्क हम यहाँ पे करेंगे। Q0 स्टेट में हमने देखा कि मुझे जीरो मिला, जीरो को ब्लैंक छोड़ के हम राइट की तरफ जाएंगे। तो जीरो को हमने ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया और राइट की तरफ जाएंगे। फिर इसके बाद लेट्स से हम Q9 स्टेट में पहुंचते हैं। इसके में रास्ते में बहुत सारे वन मिलेंगे, उन सबको आप ब्लैंक में कन्वर्ट करके राइट में जाइएगा। इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया, इसको ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके बाद आपको एक और जीरो मिलेगा, उस जीरो को जीरो में, जीरो को ब्लैंक में कन्वर्ट कर दीजिएगा और राइट की तरफ जाइएगा। लेट्स से हम Q10 स्टेट में पहुँचते हैं, और जैसे आप जीरो को ब्लैंक में कन्वर्ट करके राइट की तरफ जाएंगे, आप वहाँ पहुँच जाएंगे जहाँ से आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है। सो द आंसर इज बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हियर। सो दिस Q10 स्टेट इज एक्चुअली दी फाइनल स्टेट विच विल बी जनरेटिंग दी मल्टीप्लीकेशन। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। वी विल टेक मोर एग्जाम्पल इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स।